हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम टाइमलाइन डिस्कस करेंगे मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुए विजयनगर पीरियड में। वैसे तो लेकिन ये विजयनगर पीरियड नहीं है, जनरली हम अगर हिस्ट्री में देखें, एक वीडियो मैं दोस्तों आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक ये पूरी टाइमलाइन कवर कर दूंगा। ये टाइमलाइन आपको देखनी है मेडिवल इंडिया के फर्स्ट पार्ट। मेडिवल इंडिया को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो मेडिवल टाइम पीरियड अलग अलग जगह अलग अलग दिखेगा। 1200 से लेकर 1556 तक एक टाइम पीरियड हो गया, ये सल्तनत पीरियड जनरली कहा जाता है, ठीक है। फिर 1556 से लेके 1707 हो गया या 1757 हो गया, ये दूसरा टाइम पीरियड हो गया। मुगल टाइम पीरियड है, ये मुगल है, ये सल्तनत है। सल्तनत के अंदर हम विजयनगर भी पढ़ते हैं, ठीक है, विजयनगर भैमानी किंगडम, राइट। ये चीजें हम सल्तनत टाइम पीरियड में ही पढ़ते हैं। सल्तनत टाइम पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की सेटअप हुई थी, और ये मुगल टाइम पीरियड मुगल सेटअप हुआ था, इसी में हम पढ़ते हैं। मराठास के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद और भी चीजें पढ़ते हैं, रीजनल किंगडम्स के बारे में, अहोम्स के बारे में, सिक्स के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं, ठीक। दोनों ही टाइम पीरियड में भक्ति वगैरह भी चलता रहता है। भक्ति वैसे मेन पार्ट जो है भक्ति मूवमेंट हो गया या सूफी मूवमेंट हो गया, वो 1200 से लेके 1556 तक का है, लेकिन 1526 से लेके 1757 तक भी चला है। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। जनरली कहा जाता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर्टेनिटी कुछ चीज की नहीं है। काफी स्टोरियंस कहते हैं कि 1757 के बाद मेडिवल पीरियड खत्म हो गया, काफी स्टोरियंस ये कहते हैं 1857 के बाद मेडिवल पीरियड खत्म हुआ। जनरली जो मैंने जो पढ़ाई जितना उसमें 1757 को कहा जाता है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी को अंग्रेजों ने बड़ा चढ़ाकर बताया, पता नहीं क्या हो गया। जैसे वैसे बैटल ऑफ प्लासी कुछ नहीं था, ठीक है, कभी पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। वैसे मैंने वीडियो डाल रखी बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, आप उसको एसवाई एकेडमी करके सर्च कर लो, बैटल ऑफ प्लासी की पूरी डिटेल ले लेना, क्या थी क्या से थी। अभी हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि 1200 से लेकर 1300 तक दोस्तों क्या हुआ। सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे दी गई है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। 1192 में बैटल ऑफ तराएं हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ तराएं हुआ था, ठीक है। तो बैटल ऑफ तराएं जो हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। फर्स्ट बैटल में वो हार गए थे, पृथ्वीराज चौहान सॉरी मोहम्मद गौरी फर्स्ट बैटल में हार गए थे, लेकिन 1192 में उन्होंने बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है। यहीं से आप कह सकते हो कि हाँ, स्टार्ट हो गया था काफी स्पीड से सल्तनत का सेटअप होना। 1206 में मोहम्मद गौरी के जो स्लेव थे, स्लेव का मतलब नौकर नहीं होता, ठीक है, स्लेव का मतलब सल्तनत पीरियड में अलग होता है। इसका मतलब होता है कि पूरी की पूरी वो चीजें जो है ना, वो कॉपी करता है अपने मास्टर की। कह सकते हो आप कि यार नौकरी तो हुआ ना, वो आपका कहने का मतलब ठीक है, लेकिन स्लेव का मतलब ये मत लेना कि अपने नौकर को राजा बना दिया, ठीक है। हाँ, मतलब वो उसकी सारे स्टेप्स फॉलो करता है, सब कुछ करता है। स्लेव में मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे मास्टर आपका अगर ये स्टेप्स लेके आगे चल रहा है, तो स्लेव भी यही स्टेप्स लेके आगे बढ़ेगा। ये भी आप काफी बुक्स में पढ़ेंगे कि किंग प्रिफर करते थे कि एक अच्छा स्लेव एक अच्छे बेटे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक अच्छा स्लेव एक अपने अच्छे बेटे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मोहम्मद गौरी के जो स्लेव थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने स्टार्ट करी थी कुतुब मीनार बनाना। कुतुब मीनार जो है वो इनके नाम पे नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे बनी है। 1206 में ये राजा बने थे, राजा मतलब सुल्तान बने थे। सुल्तान और एम्परर में फर्क होता है दोस्तों, एम्परर वर्ड यूज नहीं किया जाता है, एम्परर वर्ड यूज किया जाता है मुगल्स के लिए। सुल्तान और एम्परर में क्या फर्क है, कमेंट सेक्शन में लिखो, सर्च करो। तो 1206 में सेटअप हुई, और ये स्लेव डायनेस्टी थी। स्लेव डायनेस्टी के जो मेन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए। फिर इसके बाद इनके सन इन लॉ इल्तुतमिश आए, जिन्होंने कुतुब मीनार पूरी खत्म कराई, और यही को क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने ही जो है सल्तनत को सेटअप किया, इल्तुतमिश ने ही, ठीक है। रजिया सुल्तान नाम की एक महिला आएंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ओनली सुल्तान है रजिया सुल्तान। थोड़े टाइम के लिए रही थी 1236 से लेके 1240। फिर आएंगे एक बलबन, ये मैं मेन रूलर्स मैंने आपको बता दिया 1200 से लेके 1300 तक, ये स्लेव डायनेस्टी के सारे रूलर्स हैं, ठीक है। 1206 में सेटअप हुई। दिल्ली में जो कैपिटलशिप करी थी वो इल्तुतमिश ने करी थी, उससे पहले लाहौर की इधर उधर रहती थी, ठीक है। मेन जो इल्तुतमिश आपको दिखेंगे मेन है, और यहाँ पे बलबन, ये इल्तुतमिश बलबन अगर आप आगे स्टडी करेंगे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। रसिया सुल्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है, महिलाएं हैं, ठीक है, एंड आपको लिमिटेड फीमेल्स मिलती है, ठीक है। 1300 से 1400 आ जाते हैं, यहाँ जो है खिलजी डायनेस्टी सेटअप हो गई थी। खिलजी रेवोल्यूशन वर्ड भी यूज किया जाता है यहाँ पे, आपको AUK नाम के सुल्तान दिखेंगे, ये हैं अलाउद्दीन खिलजी, इन पे मूवी भी आ चुकी है, पद्मिनी पद्मावती जो भी है,
पद्मावत है ना वैसे तो नाम, मूवी में जो दिखाया गया और जो रियल में अलाउद्दीन खिलजी उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप पढ़ना, काफ़ी रिफॉर्म्स कर रहे थे हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज करी थी इन्होंने, अपनी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली थी, तो वो रिफॉर्म्स हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो आपको मेन चीज़ें दिखती हैं। और ये चीज़ें 1200 में खिलजी भी रहे, खिलजी के बाद तुगलक आ गए थे, तुगलक आ गए थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 1325 से लेकर 1351 तक रहे MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, तो उसके बाद इन्होंने करेंसी भी चेंज कर दी थी, तो डीमोनेटाइजेशन काइंड ऑफ एक चीज़ आपको दिखेगी। और भी चीज़ें मैं डिटेल में नहीं जा रहा। इसके बाद एक और बड़े इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, वो फिरोज शाह तुगलक है। एग्जैक्ट ईयर्स उनके आप चेक कर लेना, मेरे को एग्जैक्ट ईयर्स अभी तक याद नहीं आ रहे, शायद ये थे, चेक कर लेना, मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस टाइम पीरियड में क्या चला सल्तनत में, ठीक है। ये मेन आपको दिखेंगे तो सबसे पहले इसलिए, फिर खिलजी, फिर तुगलक, ठीक है, तीन हो गए। साथ साथ अगर आप देखें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बुक्का और हरिहर ने शुरू करा था, हमने पढ़ा है। उनकी कौन सी डायनेस्टी थी उनकी, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि डेट अनसर्टेन, कहीं पे आपको कुछ दिखेगा, कहीं पे आपको कुछ दिखेगा, ठीक है, तो डेट्स अनसर्टेन है। साथ में याद रखो बहमानी किंगडम भी सेटल हुआ था अराउंड दिस पीरियड 1347 में। आप अगर नोटिस करो तो मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड है 1325 से लेकर 1351। अलाउद्दीन खिलजी ने जो क्या किया था, साउथ इंडिया में भी अपनी पकड़ जमा ली थी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे, साउथ इंडिया भी पहुंच गए थे। साउथ इंडिया पहुंचना नॉर्थ इंडिया के रूलर के लिए आसान नहीं है, उस टाइम में एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे, बीच में पहाड़ वहाड़ है, उसको क्रॉस करना बहुत टफ काम है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेटअप करा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत तेज थे, लेकिन गलतियां बहुत करी उन्होंने, उनकी पूरी लाइफ में गलतियां ही रही, बस उनके हाथ से साउथ इंडिया निकल गया। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि विजयनगर एम्पायर सेटअप हो गया उनके टाइम पीरियड में, और भैमानी किंगडम भी सेटअप हो गया। साथ साथ दोस्तों याद रखो जौनपुर भी सेट हो गया है। जौनपुर इसका आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे चलेंगे कश्मीर भी अपना सल्तनत बनी है। कश्मीर के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे जैनुल अबूदीन, अलग अलग आपको नाम दिख सकते हैं, जैनुल अबिदीन अलग अलग नाम से आपको दिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक जैनुल अबिदीन नाम के आपको रूलर दिखेंगे, या जैनुल अगर स्पेलिंग दिख रही हो, इनके बारे में पढ़ लेना अगर आप हिस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो। उसके बाद मदुरई का भी अपनी सल्तनत एस्टेब्लिश हो गई दोस्तों, ठीक है। अब 1400 से 1500 तक आते हैं। यहाँ पे दोस्तों नॉर्थ इंडिया की तो हवा निकल गई थी, प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। यहाँ पे एक सैयद नाम की डायनेस्टी आएगी जिसके बारे में कोई ज्यादा कुछ नहीं पड़ता, लेकिन लोधी गार्डन अगर विजिट करोगे ना दिल्ली में तो आपको काफी सारी इनकी कब्रें मिलेंगी, ठीक है। सैयद डायनेस्टी बाद लोधी डायनेस्टी आएगी, अफगानी थी। ये सब सल्तनत के पीरियड में आते हैं, तो पांच हो गए, सबसे पहले स्लेव, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, पांच सल्तनत आती है दिल्ली की, पांच सल्तनत है, तो ये पांच है। तो ये सैयद और लोधी डायनेस्टी इसी टाइम पीरियड में आएगी। इब्राहिम लोधी इस टाइम में अपने नाम सुने होंगे ना, सिकंदर लोधी बहुत इंपॉर्टेंट, सिकंदर लोधी ने आगरा बनाया है। इसके साथ साथ ध्यान दो यहाँ पे गजपति किंगडम उड़ीसा का है जिससे खूब लड़ाई हुई, किसकी, विजयनगर की। उसके बाद सल्तनत सेटअप हुई है गुजरात और मालवा में भी सेटअप हुई है सल्तनत, खूब लड़ाई होगी बिटवीन मुगल्स एंड गुजरात की सल्तनत, बिटवीन शेरशाह सूरी एंड गुजरात की सल्तनत। उसके बाद सल्तनत अहमदनगर, बीजापुर और बिरार, ये सब डेक्कन की सल्तनत है दोस्तों, ये बन गई, और इन्होंने ही विजयनगर को डिस्ट्रॉय करा। आज जो हैदराबाद बना हुआ है कुतुब शाही डायनेस्टी, वहाँ पे भी आपको काफी सारी चीजें दिखेंगी। अब 1500 से 1600 आ जाते दोस्तों, यहाँ पे जो है आपके इब्राहिम लोधी होंगे। इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में कौन हराएंगे, आपके बाबर 1526 में, ठीक है। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर लड़ाई करते रहे और वो फिर उसके बाद मर गए। उसके बाद उनके बेटे हुमायूं आ गए, गोवा को कॉन्क्वर्स करा पोर्चुगीज ने, वास्को डी गामा इससे पहले आ चुके हैं 1498 में। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, इस्तांबुल का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर वापस सेट हो गया था यूरोप में, तो सी रूट की वजह से आना पड़ा पोर्चुगीज को इंडिया, ठीक है। मेहमानी किंगडम साफ हो गया इसमें 16वीं सदी, समझ रहे हो ना, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी। उसके बाद गोलकोंडा में भी एक सल्तनत बनी, यही वो गोलकोंडा फोर्ट, गए हो आप जाना, बहुत सारे वैसे सेंचुरीज में जाके बना है गोलकोंडा फोर्ट, हैदराबाद विजिट करो, जरूर विजिट करना।
बहुत सारे आर्किटेक्चर है, चार मीनार है वहाँ पे, आपको पता ही होगा चार मीनार ही देखते हैं लोग, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हैदराबाद में, बहुत कुछ है, बढ़िया सिटी है विजिट करना। तो यहाँ पे ये चीज़ें हुई, और आपको इस टाइम पीरियड में दोस्तों साथ साथ क्या हुआ कि आपका विजयनगर एम्पायर बहुत ही वीक हो जाएगा। ठीक है, एक बैटल हुई थी, उस बैटल का नाम क्या है फिर से मैं आप पूछ रहा हूँ आपसे कमेंट सेक्शन में, बार बार मैंने पूछा लेक्चर्स में, आई होप आप रिवाइज करते रहे। ये लैंडमार्क्स है कुछ डिस्कवरी और कंजर्वेशन ऑफ विजयनगर के बारे में, कॉलिन मैकेंजी है जिन्होंने विजयनगर विजिट करा 1800 में, ठीक है, अंग्रेज थे। अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ टेक्स द फर्स्ट डिटेल्ड फोटोग्राफ ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट हम्पी, इन्होंने काफी हेल्प करी है अंग्रेजों ने, ये इंपॉर्टेंट इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्या मतलब, बस याद रखो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, है ना, सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की याद होनी चाहिए। कितनी टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो बताओ आप कमेंट सेक्शन में। सेकंड, वो वाला कंट्री बताओ जिसकी हाईएस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, क्या वो चाइना है, क्या वो इटली है, क्या वो इंडिया है, क्या वो यूके है। इन चार ऑप्शन दे रहा हूँ, यूके, चाइना, इंडिया, इटली, इन चारों में से कौन सा है सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। 1900 में कंजर्वेशन जॉन मार्शल साहब ने बिगिन करा है, वही जॉन मार्शल है जिन्होंने काफी हेल्प करी थी किसके लिए, हड़प्पा को ढूंढने, ध्यान देने हैं। जेएफ ली, इन्होंने इंस्क्रिप्शन को डॉक्यूमेंट करा है, जो इंस्क्रिप्शन टेंपल की वॉल्स में मिली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब चीजें हैं, हमारा डिटेल खत्म हो, ये विजयनगर एम्पायर के बारे में ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। इस क्वेश्चंस के आंसर या तो आप अटेंड करके टेलीग्राम ग्रुप को भेज दीजिए, मैं वहां पे रिव्यू कर दूंगा, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, हाउ वर द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ विजयनगर मैट, अच्छे क्वेश्चन देंगे। ठीक है, थोड़ा डायग्राम्स पे ध्यान दीजिए अगर पॉसिबल हो दोस्तों, तो इन डायग्राम्स को एग्जाम में बना के आना, ऐसा मत बनाना, ऐसे बनाओगे तो पता चला पेपर में बस ये डायग्राम ही बन रहा है, कि थोड़ा सा कुछ जितना पॉसिबल हो वो बना पाओ, इंडिया के मैप पे दिखा पाओ कि हाँ हम भी कहाँ पर है, और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगल्स के बारे में, कुछ स्टार्ट हो जाएगा, ये है पीजेंट जमींदार स्टेट, एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, 16वीं से 17वीं सदी डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हेल्प चाहिए हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।